एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास सिक्स हिस्ट्री सिविक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पिछले दस पंद्रह दिनों से आई वॉज बिजी इन समथिंग एल्स कुछ नया मैं प्लान कर रही थी इस वजह से आई वॉज नॉट एबल टू मेक वीडियोज फॉर यू ऑल बट हेयर आई एम बैक विद अनदर सेट ऑफ वीडियो जिसमें हम सारे सब्जेक्ट से पहले पढ़ रहे थे हिस्ट्री सिविक्स जोग्राफी बायोलॉजी एंड ऑल तो सारे सब्जेक्ट्स हम फिर से पढ़ रहे होंगे जो चैप्टर्स अभी तक मैंने आपको नहीं पढ़ा है बहुत जगह पे टर्म टू शुरू हो गया तो हम वो भी स्टार्ट कर रहे होंगे बहुत जल्दी सो so, आज की इस वीडियो में ये वन शॉट वीडियो होने वाला है जिसमें हम पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म कर रहे होंगे उतना बड़ा चैप्टर नहीं है बट येस काफ़ी ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत है इस चैप्टर में ठीक है सो लेट्स गेट स्टार्टेड हमने सिविक्स uh, का जब चैप्टर नंबर वन पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि उसमें हमने बात करी थी अबाउट रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक चीज़ देखो समझो मैं पहले समझा चुकी हूँ फिर से बता रही हूँ जो हमारा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है इंडिया में हम यहाँ पे किसी और देश की नहीं बात कर रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली ठीक है स्टार्ट कहाँ से होता है सेंट्रल गवर्नमेंट होती है फिर आता है स्टेट गवर्नमेंट जो सिर्फ़ एक स्टेट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है सेंट्रल गवर्नमेंट सबके लिए रेस्पॉन्सिबल होते होल कंट्री के लिए ठीक है लिए, मैं साथ में लिखती जा रही हूँ किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है पूरी इंडिया पूरी कंट्री के लिए वो रेस्पॉन्सिबल है स्टेट गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ठीक है अब जो स्टेट होते हैं उसमें डिस्ट्रिक्स होते हैं सिटीज़ होते हैं टाउन्स होते हैं विलेजेस होते हैं तो जो सिटीज़ और टाउन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल हो आ, स्टेट गवर्नमेंट के बाद आते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है विलेजेस ठीक है और किसके लिए सिटीज़ एंड टाउन्स अब वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो कि विलेजेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है उसको हम रूर, वो रूरल के लिए मतलब विलेजेस क्या होता है वो रूरल एरिया होता है तो रूरल के लिए जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इम्पो होती है उसको हम कहते हैं पंचायती राज सिस्टम जो लोकल सेल्फ़ गवर्नमेंट रूरल एरियाज़ या फिर विलेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है उसको हम पंचायती राज सिस्टम देते हैं और वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो कि सिटीज़ एंड टाउन्स यानी अर्बन एरियाज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है उसको हम कहते हैं म्यूनिसपैलिटीज़ ठीक है ये बात क्लियर हो गई जब हम सिटीज़ एंड टाउन्स की बात कर अरबन की बात करते हैं तो उसमें दोनों आते हैं सिटीज़ एंड टाउन्स और विलेज़स से सिर्फ़ और सिर्फ हम बात कर रहे होते हैं रूरल या फिर रूरल एरियाज़ की एक ही चीज़ है दोनों ठीक है अब जब हमारे पास रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है हमें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि हमने अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोलना शुरू किया स्टार्ट किया हमने पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया ठीक है इसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं तो टाउन्स एंड सिटीज़ आर लार्ज इन साइज़ जो टाउन्स एंड सिटीज़ होते हैं वो बहुत तो बड़ी होती हैं साइज़ में और बहुत सारे उसमें लोग रहते हैं अब जब कोई जगह बड़ी होगी तो वहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे राइट अब जब लोग ज़्यादा हैं तो ज़्यादा पॉपुलेशन होगी इससे हमें ये पता चलता है कि टाउन्स एंड सिटीज़ में जो पॉपुलेशन होती है वो नॉर्मली देखो एक बात तो कॉमन है कि जो विलेजेस होते हैं हर शहर में हर टाउन में जो पॉपुलेशन है वो विलेज से ज़्यादा होगी रीज़न बीइंग कि वो विलेज से बड़ा होता है इसलिए ज़्यादा लोग वहाँ पर रहते हैं ठीक है द टास्क ऑफ प्रोवाइडिंग सिविक अम्यूनिटीज़ जो टास्क होता है सिविक अम्यूनिटीज से मेरा मतलब है बेसिक नेसेसिटीज़ या बेसिक अम्यूनिटीज़ जो हर इंसान को चाहिए जीने के लिए जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी ड्रिंकिंग वाटर क्लीन एंड वेल लिट रोड ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है जब ज़्यादा लोग होंगे तो ये टास्क जो है वो और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा क्योंकि टाइम पे सारी चीज़ें चाहिए पूरे दिन पानी आता रहना चाहिए आ, ऑलमोस्ट जब तक कोई प्रॉब्लम ना आए तब तक इलेक्ट्रिसिटी आ रही होनी चाहिए पूरे दिन तक ठीक है ऑल्सो ज़्यादा फंड जरूरत फंड्स की ज़रूरत होती है फॉर uh, ये सारी जो बेसिक कम्यूनिटीज इनको प्रोवाइड करवाने के लिए इसलिए अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होती हैं दे आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ अ टाउन और सिटी जैसा मैंने बताया अर्बन से हमारा मतलब टाउन्स भी है और सिटीज भी है ठीक है इसलिए अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो शहर के या टाउन की टाउन या सिटी के जो साइज़ होता है उसके अकॉर्डिंग फॉर्म होती है ठीक है अगर कम लोग हैं तो कम अर्बन छोटी होती है जो गवर्नमेंट होती है अर्बन वाली और ज़्यादा लोग रहते हैं साइज बड़ा है <coughs> तो वहाँ पे जो अर्बन लोकल्स है गवर्नमेंट उसमें ज़्यादा लोग होते हैं ठीक है लेट्स टॉक अबाउट मेट्रोपोलिटन सिटीज़ इसमें हम दो टॉपिक्स पढ़ रहे होते हैं एक होते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ और दूसरा आता है फिर म्यूनिसपैलिटीज़ जो स्पेसिफ़िक हम सिर्फ अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की इसमें बात करते हैं ठीक है सो नाउ वी कम टू मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ एक मेट्रोपॉलिटन सिटी देखो हम लोगों को एक बहुत मिसकनसैप्शन होता है कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी वो सिटी होती है जहाँ पे मेट्रो होती है ठीक है ये हर एक बच्चे को होता है मिसकनसैप्शन ये गलत चीज़ है मेट्रोपॉलिटन सिटी का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि वहाँ पे मेट्रो होगी ठीक है एक मेट्रोपॉलिटन सिटी किसी भी ऐसी सिटी या ऐसे एरिया को कहा जाता है मेट्रोपॉलिटन देखो पहले हम बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन जो वर्ड है वो क्यों यूज़ होता है कोई भी मेट्रोपॉलिटन एरिया की जब हम बात करते हैं तो हम एक ऐसे एरिया के बात कर रहे होते हैं जहाँ पे जो पॉपुलेशन है टेन लाख से ज़्यादा हो ठीक है और जब पॉपुलेशन देखो सबसे पहले क्या होता है विलेजेस होते हैं ठीक है <coughs> फिर वो टाउन्स या सिटीज़ होते हैं चलो पहले हम कह देते हैं। पहले टाउन बनता है फिर जब और ज़्यादा होता है तो वो सिटीज़ बनती हैं ठीक है फिर जब पॉपुलेशन कितनी हो जाती है दस लाख हो जाती है तो हम उसको कहते हैं एक मेट्रोपॉलिटन सिटी ठीक है और जब पॉपुलेशन टेन मिलियन से ज़्यादा हो जाती है ठीक है किससे ज़्यादा हो जाती है टेन मिलियन से जब ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाती है तो हम उसे कहते हैं मेगा सिटी क्या ये बात आप सबको समझ में आई मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि जब छोटा होता एक मिनट में ज़रा यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँ ताकि मैं आपको बड़ा करके दिखा पाऊँ मैं आपको यहाँ पे कुछ नहीं ज़्यादा बताना चाह रही हूँ सिर्फ इतना सा आपको ये चीज़ समझाना चाह रही हूँ कि एट द बेसिक लेवल कोई भी जगह पहले गाँव होती है विलेज होती है वहाँ पर कम लोग रहते हैं लोग बढ़ते हैं तो वो टाउन्स बनते हैं फिर वो सिटीज़ बनती हैं जैसे जैसे डेवलपमेंट होता रहता है फिर और डेवलपमेंट होता है और ज़्यादा लोग रहते हैं तो वहाँ पर जब दस लाख पॉपुलेशन पहुँच जाती है किसी भी सिटी की तो उसको हम मेट्रोपोलिटन सिटी कहते हैं और जब पॉपुलेशन दस मिलियन हो जाती दस मिलियन या उससे ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पे हम उसको कहते हैं कि वो एक मेगा सिटी बन गई है ठीक है इसी तरह से एक मेट्रोपॉलिटन एरिया एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो दस लाख से ज़्यादा हो या फिर दस लाख हो ठीक है जो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी होती है या एरिया हो मेट्रोपोलिटन uh, जो भी एक एरिया होता है इट कंसिस्ट ऑफ अ डेंसली पॉपुलेटेड सिटी जिसको हम क्या कहते हैं जिसको हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी जिसके आसपास सब अर्ब्स होते हैं सब अर्बन एरियाज होते हैं एक होता है अर्बन एक होता है सब अर्बन जो सब अर्बन एरिया होता है वो ना तो आप उसको ना तो वो पूरी तरह से रूरल होगा ना वो एक गांव होगा पूरी तरह से और ना ही वो पूरी तरह से एक अर्बन एरिया एक पूरा शहर होगा बीच में होता है वो ठीक है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो होती हैं ये किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं अब जब मैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात कर रही हूँ मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात कर रही हूँ तो मैं स्पेसिफिकली भारत देश की बात नहीं कर रही मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रही हूँ ठीक है किसी भी देश की जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होगी वो देश के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती हैं ठीक है थीके? देर आर मनी मेट्रोपोलिटन सिटीज़ इंडिया में बहुत सारी मेट्रोपोलिटन सिटीज़ हैं जैसे कि दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई बेंगलुरु हैदराबाद ई उनमें से कुछ मेट्रोपोलिटन सिटीज़ हैं आप इनके नाम आपको पता होना चाहिए नाविकांच म्यूनिसपल कॉरपोरेशन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वो लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी है किसी भी देश की जिसकी पॉपुलेशन किसी भी शहर की लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी और ऐसे शहर की लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी जिसकी पॉपुलेशन दस लाख ज़्यादा हो देखो सीधी सी बात ये है जो अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो क्या है लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी कहाँ की होती है एक ऐसे शहर की जहाँ की जो पॉपुलेशन है वो क्या है द पॉपुलेशन इज मोर देन टेन लैक्स ठीक है टेन लैक्स से ज्यादा की अगर पॉपुलेशन है किसी भी सिटी की तो उस सिटी की जो लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी है उसको हम कहते हैं म्यूनिसपैलिटी सॉरी उसको हम कहते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन म्यूनिसपैलिटी पे भी अभी हम आएंगे ठीक है तो जी ये बात हो गई हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की आप इस तरह से चार्ट में पढ़ सकते हैं एक तरफ से ये भी कह सकते हैं म्यूनिसपल कॉरपोरेशन जो है वो लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी होती है किसकी किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी की मेट्रोपॉलिटन सिटी की जो लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी है उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फिर आप नेक्स्ट लाइन में बता दीजिएगा मेट्रोपॉलिटन सिटी एक ऐसी सिटी होती है जहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो दस लाख ,00 से ज़्यादा होती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वो इलेक्टेड बॉडी है मतलब मेम्बर्स जो हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं और ना ही नॉमिनेट नॉमिनेट नहीं, नहीं किए जाते हैं देखो तो इलेक्ट मतलब उनको चुना गया है फ्रॉम सम नंबर ऑफ पीपल नॉमिनेट का मतलब होता है कि मतलब जो हेड है वहाँ का उसने किसी को भी चूज कर लिया उठा लिया ऐसे ही ऐसा नहीं होता यहाँ पे प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं ठीक है ऑल रेसिडेंट्स 18 ईयर्स ऑफ एज जो कि इंडिया के सिटीजन्स हैं भारत देश के जो सिटीजन्स हैं जिनके पास इंडिया के सिटीजनशिप है और वो 18 साल या उससे ऊपर की एज है उनकी तो वो वोट कर सकते हैं और कोई भी इंडिया का सिटीजन जो इनके पास इंडिया की सिटीजनशिप है कोई भी इंसान जिसके पास इंडिया की सिटीजनशिप है और वो इक्कीस साल से ऊपर की एज का है तो वो इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकता है मतलब इलेक्शन में वो खड़ा हो सकता है फॉर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है उसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो डिपेंड एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कितने मेंबर्स हैं वो डिपेंड करता है अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी और जो इलेक्शन के बाद जो मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं उनको कहा जाता है काउंसिलर्स कौन से मेम्बर्स इलेक्ट होते हैं जो इलेक्शन जीतते हैं ठीक है ठीके? अब जो मेम्बर्स जीत के इलेक्टेड हो गए एक बार इलेक्ट हो गए तो जो काउंसिलर्स हैं वो अपने जो बाकी मेम्बर्स हैं उनके बीच में एक को हेड को इलेक्ट करते हैं जो उनको लगता है बहुत सूटेबल इंसान है और ये जो हेड है इसको क्या कहते हैं मेयर या फिर महापौर ये स्पेलिंग माइट भी रॉन्ग हो एक बार अपनी बुक से कन्फर्म कर लेना ठीक है दोनों नाम आपको पता होने चाहिए मेयर को और क्या कहते हैं डेप्टी मेयर इज़ ऑल्सो इलेक्टेड टू तो टेक चार्ज इन मेयर एबसेंस एक जो डेप्टी मेयर है उसको भी इलेक्ट किया जाता है ताकि वो मेयर की एबसेंस में उसके काम कर सके क्योंकि जो मेयर है वो एक बहुत रेस्पॉन्सिबल इंसान है वो हर जगह हर मीटिंग में प्रेजेंट नहीं हो सकता है ना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इसलिए डिप्टी मेयर को भी इलेक्ट किया जाता है ताकि अगर मेयर एबसेंट है और एनी पर्सनल और प्रोफेशनल रीज़न तो जो डेप्टी मेयर है वो उसकी जगह पे उसकी पोजीशन टेक ओवर कर देता है फॉर दैट पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज और डे ठीक है सीट्स जो हैं वो रिज़र्व की जाती हैं बचा कर रखी जाती हैं फॉर पीपल जो कि शेड्यूल क्लास और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं जिसको हम नॉर्मली कहते हैं एस सी एस टी इस तरह से कहा जाता है ठीक है uh, आगे थोड़ा सा और कॉम्पिटिशन है इसमें और कौन से लोग होते हैं मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर यानी विधानसभा और विधान परिषद सेंट्र सेंटर पे सेंट्रल गवर्नमेंट होता है जिसमें आते हैं हमारे पार्लियामेंट विच इंक्लूड्स लोकसभा एंड राज्यसभा के मेंबर्स देन फिर आता है हमारा स्टेट लेजिस्लेचर जिसमें आते हैं मेंबर्स ऑफ विधानसभा एंड विधान परिषद तो जो स्टेट लेजिस्लेचर किसी भी जिस एरिया के हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात कर रहे हैं उस एरिया से अगर कोई स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर है यानी विधानसभा या विधान परिषद का अगर कोई मेंबर इलेक्ट हुआ है तो वो म्यूनिसपल कॉरपोरेशन का भी एक पार्ट होता है और जिस भी एरिया के हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात कर रहे हैं उस एरिया से अगर कोई पार्लियामेंट का मेंबर इलेक्ट हुआ है जैसे uh, मतलब एट प्रेजेंट है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मेरा मतलब लोकसभा या राज्यसभा का अभी एट प्रेजेंट इलेक्ट हुआ है तो उसको हम कहते हैं uh, वो भी आ जाता है उसी ही और शी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ़ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सीट्स मे बी फिर कुछ जो लोग होते हैं कुछ सीट्स हो सकता है हमेशा नहीं मे भी कभी कभी जो होता है नॉमिनेटेड पर्सन्स uh, की होती है जिनके पास स्पेशल नॉलेज होता है या फिर एक्सपीरियंस होता है म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसे लोगों को ऑल्डर कहा जाता है ठीक है कुछ जो सीट्स होती हैं वो विमेन के लिए भी बचा कर रखी जाती हैं रिजर्व की जाती हैं स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो अपॉइंट करती है स्टेट गवर्नमेंट किसी भी गवर्नमेंट की जो uh, किसी भी स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है स्टेट गवर्नमेंट तो वो अपॉइंट करती है एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसको म्यूनिसिपल कमिश्नर कहा जाता है जो म्यूनिसिपल कमिश्नर होता है होता है होती है ही और शी वो ये ध्यान देता है कि जो डिसीजंस लिए गए हैं कॉरपोरेशन के द्वारा वो एग्जीक्यूट करे जा रहे हैं वो इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं ठीक है ऐसा नहीं कि सिर्फ पेपर वर्क कर दिया गया और जैसे कहा गया कि यहाँ पे सड़क बननी है ऐसा हमने लिख दिया पेपर पे ऐसा डिसीजन लिया गया लेकिन सड़क बनी या नहीं बनी ये डिसीजन पे काम किया जा रहा है एक्शन लिया जा रहा है नहीं लिया जा रहा है इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है नहीं हो रहा है तो ये सारे जो चीज़ है ना ये कौन देखता है ये म्यूनिसिपल कमिश्नर देखता है जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है अपॉइंटेड बाई द स्टेट गवर्नमेंट जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो एक्ट एक्ट uh, करता है एज अ लिंक बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बीच में जो एक लिंक होता है उसकी तरह एक्ट करता है वेरियस ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन सैनिटेशन सारी जो डिपार्टमेंट्स इसमें जो ऑफिसर्स होते हैं वो इंचार्ज होते हैं वो हेल्प करते हैं एक म्यूनिसिपल कमिश्नर को उसके काम में ठीक है आपकी बुक में एक मोर टू नो बॉक्स में दिया गया काफ़ी लंबा सा आप डर मत जाना उसको देखे क्या है इट्स इंपॉर्टेंट इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स टू थाउजेंड बिकेम अफेक्टिव फ्रॉम फर्स्ट जनवरी ये एक कह लो रूल है एक्ट है लॉ है ठीक है इट बिकेम अफेक्टिव फ्रॉम फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड फोर ठीक है इस रूल के अंडर डोर टू डोर कलेक्शन ऑफ गार्बेज वॉज स्टार्टेड इन थर्टी नाइन एरियाज थर्टी नाइन एरियाज़ में घर घर जाके जो गार्बेज है कूड़ा होता है उसको कलेक्ट किया जाता है इन टू थाउजेंड सिक्सटीन द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स टू थाउजेंड वॉज रिवाइज दो हज़ार सोलह में इस रूल को रिवाइज uh, किया गया था और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 रिवाइज होने के बाद उसके जो फीचर्स हैं वो नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे दिए गए हैं आर नंबर वन वेस्ट को सेग्रेग्रेट किया जाएगा एट सोर्स जब आप आ, कोई जैसे मेरे घर आया है कोई कलेक्ट करने के लिए तो जब मैं उसको दे रही हूँ तो मैं उसको पहले सेग्रेगेट करूँगी ड्राई वेट और हेजारडस में अगर कूड़ा ड्राई है गारबेज ड्राई तो मैं अलग उसको सेपरेट करूँगी सेग्रीगेट मतलब सेपरेट करना कैटेगराइज करना कैटेगराइज और सेपरेट करना ठीक है इन टू ड्राई वेट और हेज़ ठीक है और उसको अलग से सेपरेटली स्टोर करके रखना है ऐसा नहीं कि वो आया उस वक्त मैं कर रही हूँ मैं जब भी मैं आप गार्बेज डाल रही हूँ एक डस्टबिन में तो मेरे को तीन कैटेगरीज में उसको डिवाइड करके रखना है सेपरेट करके रखना हुआ है और उसी तरह से उसको स्टोर भी करना है और फिर जो म्यूनिसपल वर्कर या फिर ऑथोराइज वेस्ट पिकर आया है उसको हैंड करना है ठीक है सेकेंड जो फीचर है वो ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल सेंट्रल मॉनिटरिंग रिव्यू एवरी ईयर जो सेंट्रल मॉनिटरिंग कमिटी है उसको uh, हर साल मॉनिटर करना है और रिव्यू करना है कि ये सारे काम जो हैं और जो ये रूल्स है 2016 का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो रिवाइज हुए हैं टू के अकॉर्डिंग टू वाले रूल टू थाउजेंड में रिवाइज हुए हैं तो उन रूल्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं इसको देखना मॉनिटर करना और रिव्यू करना एक सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी का काम होता है ठीक है फर्दर द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो ये एन आ गया यहाँ पे लॉन्च होगा लॉन्च अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन जो गवर्नमेंट है उसने उन्होंने uh, एक लॉन्च किया है वेब बेस्ड एप्लीकेशन ताकि वो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को ट्रैक कर सकें 2016 में जो कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसको एक ग्लोबल अवार्ड मिला फॉर इम्प्लीमेंटिंग एन एफेक्टिव मेथड ऑफ सेग्रीगेटिंग वेस्ट एट सोर्स ठीक है एक आ, उन्होंने एक ऐसा बहुत इम्प्लीमेंट किया था एक इफेक्टिव मेथड जिसमें वो सेग्रीगेट करते थे वेस्ट एट सोर्स आ, और ये जो आ, मिला था अवार्ड ये ग्लोबल अवार्ड था जो कि किसको मिला था कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को इन टू थाउजेंड सिक्सटीन ये इम्पोर्टेंट मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछा जाता है ठीक है ना वी मूव फॉरवर्ड टर्म जो होता है किसी भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का तो जो एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो फाइव ईयर्स के लिए बनाई जाती है और इलेक्ट की जाती है और फिर जब पाँच साल बीत जाते हैं दे आर गॉन तो फिर नेक्स्ट सिक्स ईयर जो होता है फिर से हम इलेक्ट uh, करते हैं मेंबर्स को थ्रू इलेक्शन इसका कहने का मतलब है जैसे फर्स्ट ईयर लेट्स से ईयर कौन सा चल रहा है 2005, ठीक है अभी हमने इलेक्शंस किए और हमारे पास मेंबर आ गया ये कौन सा साल है नंबर वन ये ईयर नंबर वन है उन मेंबर्स का फिर ईयर नंबर टू 2006 में भी वही लोग रहेंगे ठीक है अगेन फिर आता है 2007, फिर ये ईयर कौन सा हो गया ये थर्ड ईयर हो गया तब भी वही वाले लोग कर रहे होंगे देन आता है 2008, वही वाले लोग होंगे अगेन ये फोर्थ ईयर था ठीक है फिर आता है 2009, अगेन वी हैव द सेम पीपल अब जब ये पाँच साल इनके बीत गए तो अब वापस से इलेक्शंस होंगे और न्यू जो मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट किया जाएगा हो सकता है कोई कुछ पुराने मेंबर्स को इलेक्ट किया जाए बट जो होगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ही होगा ठीक है जो एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है अगर वो ठीक से अच्छे से काम नहीं कर रही हो तो उसको पहले भी डिजोल्व किया जा सकता है और फ्रेश इलेक्शंस किए जा सकते हैं ऐसे जो केस होता है जब डिजोल्व कर जब डिजोल्व होते हैं पहले बिफोर इट्स कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म तो जो न्यू मेंबर्स होते हैं वो उनको विद इन सिक्स मंथ्स इलेक्ट किया जाता है ताकि जो टर्म है वो कंप्लीट हो जाए ठीक है किसी एक जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है उसकी क्या कंपल्सरी हैं दो फंक्शंस वो दो टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करती है कंपलसरी जो उसको करना ही करना और है और ऑप्शनल अगर वो चाहें तो वो करें नहीं करें तो आप उस पर केस नहीं कर सकते उसके बेसिस पे ठीक है सो नाउ विल स्टडी दिस टू अरेंज फॉर द कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ गार्बेज कलेक्शन और डिस्पोजल है वो गार्बेज का उसके लिए अरेंजमेंट उनको करना ही करना है टू मेंटेन द ड्रेनेज सिस्टम फॉर क्लियर सराउंडिंगस साफ़ सुथरी सराउंडिंग्स लें उनको ड्रेनेज सिस्टम मेंटेन करना है हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरी सेटअप करनी है वैक्सीनेशनस को लिए अरेंज करना है ताकि जो डिजीज़ेस हैं जैसे कि स्मॉल पॉक्स कॉलराइड ट्यूबकलोसिस एंड हेपेटाइटिस ऐसी डिजीजेस से का जो स्प्रेड है जो बहुत जल्दी फैलती हैं इनसे रोका आ, बचाव किया जा सके रोका जाए प्रिवेंशन किया जा सके आ, जो खाने में एलट्रेशन यानी जो इससे कहते नहीं खाने में मिलावट हो गई तो उसको एडल्ट्रेशन ऑफ फ़ूड को और अदर और जितने भी कंज्यूमर गुड जिसमें एडल्ट्रेशन हो रहा है उस एडल्ट्रेशन को रोका जाए प्रिवेंट किया जाए टू सेटअप मार्केट्स वेजिटेबल्स फूड ग्रेन एंड अदर कंज्यूमर गुड्स के लिए मार्केट्स लगवाना लगाना भी उनका ही काम होता है और कुछ कंपल्सरी फंक्शंस होते हैं पब्लिक uh, टॉयलेट्स और यूरिनल्स बनाना और सेट उनको मेंटेन भी करना उन्हीं का काम होता है प्रोवाइड फ्रेश एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रॉपर लाइटिंग ऑफ स्ट्रीट सारी बेसिक कम्युनिटीज़ में ही आते हैं लाइटिंग ऑफ स्ट्रीट्स के अलावा और बाकी जो है तो ये भी प्रोवाइड करना एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बर्थ और डेथ और बर्थ और डेथ कितने लोग पैदा हुए कौन मरा क्या हुआ एंड ऑल इसका रिकॉर्ड उनको मेंटेन करके रखना होता है और बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट जो इशू करवाते हैं वो भी एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ही इशू करवाती है टू सेटअप एंड मेंटेन ग्रेवयार्ड्स क्रेमेशन ग्राउंड्स और इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम्स को बनाना और मेनटेन करना उनका काम होता है अच्छा ये ग्रेव यार्ड आप समझ गए होंगे ठीक है जो बाकी इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम क्रेमेशन ये भी सब डेथ के बाद ही यूज होता है जब तो कोई इंसान मर जाते हैं सब तब, तब काम आते हैं यू शुड जस्ट नो द नेम्स ठीक है establish स्कूल्स एंड adult एजुकेशन सेंटर्स कंस्ट्रक्ट मेंटेन एंड रिपेयर रोड्स एंड ब्रिजेस विद इन सिटी लिमिट्स उनका जो एरिया है जो सिटी है उसके अंडर जितने भी ब्रिजेज रोड सारी उनको बनाना मेनटेन करना और फिर उनको रिपेयर भी करना उन्हीं का काम होता है ऑप्शनल फंक्शंस मेंटेन फायर इंजेंस म्यूजियम्स पब्लिक पार्कस एंड पब्लिक लाइब्रेरीज नाइट शेल्टर्स ऑर्फनेजेस और ओल्ड एज होम्स बनाना उनकी ज़िम्मेदारी है बट ये मतलब वैसे जिम्मेदारी नहीं कि उनको करना ही करना है इफ़ दे वॉन्ट दे कैन डू इट ठीक है चीप और एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करना सस्ता भी हो और अच्छा भी हो पब्लिक भी हो ठीक है और ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करी मैं यहाँ पे कल्चरल इवेंट जैसे कि स्पोर्ट्स इवेंट्स एग्जिबिशंस वगैरह इनको ऑर्गेनाइज करना भी इनका एक फंक्शन uh, है विच इज़ एन ऑफ फंक्शन म्युनिसपैलिटी की बात करी जाए तो इट्स अ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन अ स्मॉलर टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो एक हम नॉर्मली बात कर रहे थे एक ऐसे शहर की लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी होती है जिसकी जो पॉपुलेशन है वो मोर देन टेन लाख है लेकिन म्यूनिसपैलिटी एक लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी है एक ऐसे शहर और सिटी uh, टाउन और सिटी की जहाँ पर छोटा होता है वो एज कंपेयर टू जो हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटी है उससे कंपेरिजन में छोटा होता है ठीक है स्मॉलर टाउन एंड सिटी इलेक्टेड बॉडी होती है जस्ट लाइक दी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जितने भी रेसिडेंट्स होते हैं एक सिटी के जो कि भारत देश के सिटीजनश जिनके पास इंडिया की सिटीजनशिप है और 18 इयर्स ऑफ एज या उससे ऊपर के हैं उनकी एज तो वो वोट कर सकते हैं म्यूनसिपल इलेक्शन में ये चीज़ सेम है एज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और अगर उनकी एज ट्वेंटी से ऊपर है और वो इंडिया के सिटीज़न है तो वो इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं इलेक्शंस कंटेस्ट कर सकते हैं पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिटरमिन करती है कि, कि किसी भी म्यूनिसपैलिटी में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे एक म्यूनसिपैलिटी में कितने मेंबर्स होंगे वो डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन क्या है एक सिटी की जिस सिटी की हम म्यूनसिपैलिटी की बात कर रहे हैं ठीक है यहाँ पे आता है कॉम्पोजिशन थोड़ा सा सेम है ऑल मोस्ट जो हमने उधर पढ़ा है पहले वाले में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उसका वाला अच्छे से याद कर लो ये वाला ख़ुद से कर लोगे समझ के सम सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन और कुछ सीट्स जो होती हैं उनके लिए भी रिज़र्व होती हैं ऐसे लोगों के लिए जो शेड्यूल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं अगेन एस सी एस टी वाली बात है और वुमेन वाली बात हो रही है यहाँ पे देन मेम्बर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर और मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट जो कि किसी एरिया से इलेक्ट uh, उस एरिया से इलेक्ट किए गए हैं जहाँ की म्यूनिसपैलिटी की बात हो रही है तो वो भी म्यूनसिपैलिटी की पार्ट होता है और स्टेट लजिस्लेचर से अगेन मेरा मतलब है विधानसभा और विधान परिषद के मेंबर्स पार्लियामेंट से मेरा मतलब है लोकसभा और राज्यसभा के ये चीज़ यार uh, मैं कहूँगी आपको याद कर लेना चाहिए आगे फ्यूचर में वन यू कम टू सेवन ग्रेड तो ये बहुत सॉरी एट्थ ग्रेड तो ये बहुत हेल्पफुल होगा आपको पता होना चाहिए जब मैं स्टेट लजिस्लेचर की बात कर रही हूँ तो मैं किसकी बात कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ वहाँ पे विधानसभा की और मैं बात कर रही हूँ विधान परिषद की ठीक है ये जो होते हैं दोनों ही दोनों रिस्पॉन्सिबल uh, होते हैं किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट के लिए देन वी कम टू पार्लियामेंट जब भी मैं पार्लियामेंट की बात कर रही हूँ तो उसमें दोनों इंक्लूडेड होंगे कौन से लोकसभा और कौन सा इंक्लूडेड होगा राज्यसभा ठीक है ये चीज़ आपको पता होना चाहिए ये हमेशा के लिए एप्लीकेबल है जब भी हम इंडिया के एटलीस्ट बात कर रहे हैं ठीक है जी लेट्स मूव फॉरवर्ड पीपल हैविंग ऐसे लोग जो कि इनके पास स्पेशल नॉलेज है या फिर एक्सपीरियंस है म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में उनको भी नॉमिनेट किया जाता है एक म्यूनसिपैलिटी में म्यूनसिपैलिटी जो है वो एक टर्म ऑफ फाइव ईयर्स होता है उनके मेम्बर्स का पाँच साल बाद बदलते हैं जब दोबारा सिलेक्शंस होते हैं म्यूनसिपैलिटीज़ जो हैं वो रेगुलर इंटरवल्स पर मिलती हैं और जो मेम्बर्स होते हैं वो एक चेयरपर्सन इलेक्ट करते हैं उधर पर जो हेड था वो कौन था प पर्सन वॉज मेयर और एक डेप्टी मेयर होता है ठीक है यहाँ पे जो होता हैड वो चेयरपर्सन होता है और वही जो हैड होता है वो मीटिंग्स की मीटिंग्स प्रिसाइड करता है मतलब जब तो मीटिंग्स होता है तो वहाँ पर वो एज अड बैठता है ठीक है uh, जो एक वाइस चेयरपर्सन होता है वो भी इलेक्ट किया जाता है टू टेक चार्ज इन हिज और हर एब्सेंस ठीक है अगर चेयरपर्सन एबसेंट है ड्यू टू पर्सनल और प्रोफेशनल रीजन बस अगर वो एबसेंट है तो उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका काम कौन करेगा वाइस चेयरपर्सन करेगा ठीक है म्युनिसिपैलिटी परफॉर्म्स द सेम फंक्शन जो कि एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करती है तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं म्यूनिसिपैलिटी का कंपलसरी फंक्शन बताओ तो आप वही कंपल्सरी फंक्शन बताओगे जो एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करती है और अगर आपसे पूछा जाता है ऑप्शनल फंक्शन देन अगेन द सेम थिंग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनिसपालिटी के जो ऑप्शनल फंक्शन है वो भी सेम रहेंगे ठीक है जो काम एक म्यूनिसपैलिटी करती है वही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन करती है और इसका वाइस है वर्षा यानी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो काम करती है जो फंक्शन करती है वही एक म्यूनिसपैलिटी करती है अब हम म्यूनिसिपल बॉडीज़ के सोर्सेज ऑफ़ इनकम की बात करें तो उनके पास पैसा कहाँ से आता है तो पहला आता है टैक्सेज ऑन गुड्स सारे के सारे टैक्स होते हैं अब कैसे होते हैं वो देखो जब किसी सिटी में uh, आ रहे होते हैं इम्पोर्ट जिसको कहा जाता है तो कुछ टैक्स होता है ऑप्श्राई होता है और वो एक सोर्स होता है फॉर दीज म्यूनसिपल बॉडीज़ टैक्स हाउस टैक्स जो होता है लैंड टैक्स जिसको प्रॉपर्टी टैक्स कर देते हैं वो भी सोर्स ऑफ इनकम है अनदर इज़ टैक्सेज ऑन बिजनेस और प्रोफेशन जब आप कोई बिजनेस कर देते हो तो आपको एक टैक्स पे करना पड़ता है इट्स इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर अ फॉर दीज म्यूनिसिपल बॉडीज़ म्यूनसिपल बॉडी से मेरा कौन सा मतलब है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसपल म्यूनिसिपालिटी ठीक है ये दोनों के दोनों इसमें आते हैं म्यूनिसपल बॉडीज़ के अंडर आते हैं वाटर टैक्स जो होता है पब्लिक लाइटिंग पे टैक्स पड़ता है हाइजीन फैसिलिटीज का जो टैक्स होता है वो एक अनदर सोर्स uh, होता है यहाँ पे वहीकल टैक्स जो कि मोटराइज्ड वहीकल पे पड़ता है और टोल टैक्स जो कि पड़ता है फॉर द यूज़ ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस वो भी एक सोर्स ऑफ इनकम है फॉर द म्यूनिसिपल बॉडीज अनदर इज एजुकेशन टैक्स जो कि एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के लिए होता है और एंटरटेनमेंट टैक्स जो कि कहाँ से पड़ता है फ्रॉम सिनेमाज फ्रॉम सिनेमा हॉल्स थिएटर्स एंड सर्कसेस ठीक है रेंट फ्रॉम बिल्डिंग्स जो uh, ऐसी बिल्डिंग जो कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ओन करते हैं वहाँ की बिल्डिंग्स से जो रेंट आता है उसको भी एक सोर्स ऑफ इनकम होता है उनके लिए और uh, जब बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट इशू किया जाता है तो कुछ फीस पड़ती है वो भी एक सोर्स ऑफ इनकम है और स्टेट गवर्नमेंट से कुछ एनुअल्स हर साल उनको एक अमाउंट मिलता है मंथली नहीं मिलता है ईयरली मिलता है एक अमाउंट ग्रांट uh, होता है उसको ग्रांट कहा जाता है वो भी एक सोर्स ऑफ इनकम होता है फॉर द म्यूनिसपल बॉडीज़ अगर मैं नागर पंचायत की बात करूँ तो एक नगर पंचायत इज़ सेटअप फॉर अ ट्रांजिशनल एरिया ट्रांजिशनल एरिया कौन सा एरिया होता है ट्रांजिशनल एरिया एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे रूरल uh, से अर्बन का ट्रांजिशन चल रहा है। मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही हो डेवलपमेंट्स हो रहे हो और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं जैसे ये ट्रांजिशन मतलब एक फेज होता है ऐसा नहीं होता रातों रात बदल गया गाँव से वो एक शहर बन गया नहीं इट टेक्स सेवरल मंथ्स और सेवरल ईयर्स इन सम केसेस ठीक है तो जो एक नगर पंचायत होती है वो एक ट्रांजिशनल एरिया के लिए सेटअप होती है और फिर नेक्स्ट लाइन में आप बताओगे कि ट्रांजिशनल एरिया एक ऐसा एरिया होता है जो कि रूरल से अर्बन में ट्रांजिशन में चल रहा हो ठीक है नगर पंचायत लुक्स आफ्टर द सिविक अम्यूनिटीज़ इसके दो काम होते हैं नंबर वन इज़ सिविक अम्यूनिटीज़ जो भी एक ट्रांजिशनल एरियाज की जो सिविक अम्यूनिटीज़ होती हैं उसको देखना uh, लोगों को वो प्रोवाइड करना और अनदर इज़ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांजिशनल एरियाज ये दो काम होते हैं एक नगर पंचायत के सुपरविजन ऑफ लोकल सेल्फ अर्बन लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज ठीक है इनका जो सुपरविजन है वो हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं ये लास्ट लाइड है ठीक है सो जो म्युनसिपल कॉरपोरेशन होती है और म्युनिसिपैलिटीज़ होती हैं वो फंक्शन करती हैं किसके अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट उनकी हेड होती हैं उनके अंडर वो काम कर रही होती हैं ठीक है इफ़ द गवर्नमेंट इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द वे लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज आर वर्किंग इट किन टेक एक्शन अगेंस्ट दैम जैसा कि मैंने ऊपर पहले भी बताया था अगर कोई भी अर्बन लोकल से, जो लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी चाहे वो म्यूनिसपल कॉरपोरेशन हो चाहे वो म्यूनिसपालिटी हो उसको डिज़ोल्व किया जा सकता है अगर वो ठीक से काम नहीं कर रही है उनका जो टर्म है पाँच साल का वो कंप्लीट हो उससे पहले भी डिज़ोल्व किया जा सकता है ये राइट है गवर्नमेंट के पास ठीक है अगर गवर्नमेंट उनके काम से सेटिस्फाइड नहीं है किसी लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी से तो फिर वो उनके अगेंस्ट एक्शन लेकर उन एक्शन ले सकते हैं और उनको डिजॉल्व भी कर सकते हैं हमें अर्बन लोकल बॉडीज़ के साथ कॉपरेट करना चाहिए और आ, जो एक्टिविटीज़ हैं जैसे आ, जो इनका कंसर्न किससे जो रिलेटेड है विद द मेंटेनेंस ऑफ टाउंस एंड सिटीज़ उसमें इन्वॉल्व रहना चाहिए क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है ना एक डेमोक्रेसी के लिए कहा जाता है फॉर द पीपल बाय द पीपल एंड टू द पीपल करके एक कोटेशन होती है विच इज़ uh, जो एक गवर्नमेंट होती है वो किससे बनती है पीपल से एक डेमोक्रेसी जो होती है हम लोग इंडिया इज अ डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक कंट्री ठीक है तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट uh, है वो हमसे बनती है क्योंकि हम लोग इलेक्ट करते हैं आई मीन नॉट द किड्स बट द एल्डर पीपल जो कि एडल्ट होते हैं विच आर अबव एटीन ईयर्स ऑफ एज और अबव ठीक है दैन वी हैव टू द पीपल लोगों के लिए होती है फॉर द पीपल और uh, लोगों से बनती तो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा इतना कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं आपको बस ज़रा से डेफिनेशन पता हो तो यू विल बी एबल टू डू इट वेरी नाइसली जो कंपल्सरी और ऑप्शनल फंक्शंस मैंने काफ़ी सारे आपको पढ़ा दिए हैं आई वुड सजेस्ट कंपल्सरी और ऑप्शनल दोनों के चार चार याद कर लो मोर देन पाँच याद कर लोगे तो गुड टू हो चार से भी आपका काम चल जाएगा बहुत अच्छे क्योंकि uh, जहाँ तक मेरी नॉलेज है किसी भी एग्जाम में चार से ज़्यादा नहीं पूछा जाता है इन ग्रेड सिक्स चार पॉइंट्स मैक्सिमम वो आपसे पूछेंगे वैसे तो तीन या दो ही पूछते हैं ठीक है सो एज यू विश आपका स्कूल का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आप कहीं से कंसल्ट करके अपनी टीचर्स वगैरह से आप पूछ सकते हैं कि मैक्सिमम या मिनिमम आपको कितना रिक्वायर्ड है ठीक है आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया और फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इफ आई डोंट फॉरगेट तो आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट फॉर क्लास हिस्ट्री सिविक्स तो आप वहाँ से देख सकते हो आपने जो भी चैप्टर नहीं पढ़ाया मैंने पढ़ा रखा है तो आप उससे पढ़ सकते हो आपको अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिस्ट्री जोग्रफ़ी सिविक्स का कोई चैप्टर पढ़ना है तो मुझे आप बता दो और कामेंट सेक्शन में आई ट्राई कि मैं बहुत जल्द से जल्द बना दूँ वीडियो Uh, और प्लीज़ एक बात का ध्यान रखो जब आपके एग्जाम चल रहे होते हैं उस वक्त मुझसे मत बोला करो बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट आपने मुझे आज कमेंट किया और मैं आज का आज ही आपको वीडियो बना के दे पाऊँ ठीक है इट टेक्स टू थ्री डेज ये जो स्लाइड्स हैं ये बनाने में एंड देन आई ऑल्सो हैव टू मतलब थोड़ा सा मुझे भी देखना पड़ता है चैप्टर में क्या है सो इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस आराम से तीन चार दिन जाते हैं एक वीडियो बनाने में ढंग से अच्छे से सो so, आपके एग्ज़ाम टाइम के पहले आप मुझे बता दो जिससे मतलब अगर आपके एग्जाम एक हफ़्ते बाद है तब तक का चल जाएगा एक हफ्ते में वीडियोस उसमें बना सकती हूँ बट जैसे जैसे आपको लगता है कि ये चैप्टर आपको पढ़ना है आप मुझे पहले से बता दिया करो सो so, आपके लिए भी अच्छा होगा आपको लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी ठीक है दैट्स ऑल दैट आई हेड टू सेम अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें आई सी सुन मैं नेक्स्ट वीडियो चल दिन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग Bye and take care